हरे कृष्णा। ओ ज्ञान तिमिरान दस्य ज्ञानञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत प्रगट शिवसादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल जहाँ पे हमारा कट हो गया था वहां से स्टार्ट करते हैं। तो हम जान रहे थे कि भक्ति श्लोका नंबर 2 चैप्टर 9। तो भक्ति जो है वो प्रत्यक्ष अनुभव स्वरूप है, यानी जैसे ही हम भक्ति करना शुरू करते हैं उसका अनुभव भी स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे हम हरि नाम, जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करना शुरू करते हैं तो वैसे वैसे उसका रिजल्ट भी आना शुरू हो जाता है। भक्ति अपने आप अपना प्रेजेंस शुरुआत से ही कराना शुरू कर देती है। तो सर्वधर्म फला प्रदाय, यानी जो जितने भी धर्म है उन सबका फल हमें भक्ति मात्र करने से हो जाएगा, यानी सिर्फ भक्ति करने से हमें बाकी सबका फल प्राप्त होगा। जैसे कि हमें भगवान ने गीता में ही चैप्टर 18 के श्लोक नंबर 66 में क्या बोला है कि सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज। यानी जितने भी धर्म है उन सबका परित्याग कर दो। तो कौन से धर्म? वर्ण आश्रम धर्म, कर्म, जो लोग वर्ण आश्रम धर्म को फॉलो करते हैं वो धर्म, फिर जो कर्म फॉलो कर रहे हैं वो कर्म, कर्म योगा, ज्ञान योगा, ध्यान योगा, जितने भी पाथ हैं, जितना भी और जो कुछ भी है संसार में वो सब कुछ का त्याग कर दो एंड बस मेरी शरण ले लो। तो मेरी शरण ले लो जब कृष्ण बोलते हैं तो इसका मतलब है क्या है, हमें शुद्ध भक्ति करनी है, हमें 100% कृष्ण को सरेंडर करना है, केवल भक्ति बोलते हैं जिसे। तो बस भगवान का भजन करना शुरू करते हैं वैसे ही हमें, जैसे कि हम पेड़ है, यथा तरोर मूल निश्चन कृपयती तत् स्कंद भुजो पशाखा प्राणो पहारा चा यथेन्द्रियाणाम तथैवा सर्वाहानम अच्युत तेजया। ये श्लोक देवऋषि नारद ने श्रीमद् भागवतम में ये कहा है, कैंटो 4 में आता है कि जैसे कि हम पेड़ के जड़ को जल देते हैं तो क्या होता है, उसके ब्रांचेस, उसके ट्रंक, उसका पत्ता, उसके ट्विग्स, उसके फूल सब कुछ नरिश हो जाते हैं। इसी तरह हमें अलग से ये सारे चीजें करने की जरूरत नहीं है, कर्म, ज्ञान, योग, ध्यान, वर्ण आश्रम, किसी भी चीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें ये सारे चीज धर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जड़ को पानी देने से जैसे सारा पेड़ को नरिशमेंट मिलता है, उसी तरह सिर्फ भक्ति करने से, भक्ति में ये सब कुछ नहीं आता, ना कर्म आता है, ना ज्ञान आता है, ना योग आता है, ना वर्ण आश्रम धर्म आता है, लेकिन फिर भी भक्ति करने से इन सबको करने का जो फल होता है वो प्राप्त हो जाता है। फिर नेक्स्ट चीज क्या था श्लोका में, सुसुखम, यानी भक्ति भक्ति योगा बहुत सुख देने वाला। शुरुआत में भी वो सुख देना चाहिए, जब हम भक्ति में शुरू शुरू में आते हैं तभी हम बहुत खुश रहते हैं। हमें जैसे ये हरि नाम करना शुरू करते हैं, हम एक माला भी अगर एक दिन में, जब स्टार्टिंग स्टेज में होते हैं, जब नए नए हम भक्ति में आते हैं तो हम जब एक माला भी दिन में एक बार कर लेते हैं तो हमें लगता है हमने कितना बड़ा कुछ अचीव कर लिया है। एक माला करने पर भी वही खुशी प्राप्त होती है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो खुशी वैसे ही रहती है, मतलब कभी कम नहीं होती। भक्ति में खुशी कभी कम नहीं होती, भले हम थोड़ा भी स्टार्ट करते हैं तो वो भी हमें सुख देता है, उससे करते समय भी सुख मिलता है एंड उस गोल को अचीव करते, भक्ति का गोल भी भक्ति ही है, यानी कृष्ण के लिए प्रेम है, उस गोल को अचीव करने में भी सुख है। तो प्रहलाद महाराज ने भी ये इंस्ट्रक्शन दिया था अपने असुर जो उनके क्लासमेट थे, तो प्रहलाद महाराज ने उनको क्या बोला था, नाहि अच्युतम प्रिया प्रिना या तो बहवा आयाशा, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जो अच्युत है वो ये नहीं चाहते कि हम बहुत मेहनत करें या हम बहुत लेबर करें। वो भक्ति में हमें इतना मेहनत, इतना कष्ट नहीं करना है। जैसे कि
कोई कर्म योगा कर रहा है तो उसको वहां भी मेहनत करना पड़ता है कि उसको, क्योंकि उसके अंदर डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, तो वो क्या करता है, वो सारे इच्छा जो जितना भी है वो उसको कृष्ण की तरफ मोड़ देता है, लेकिन उसे कर्म करना पड़ता है। ज्ञान योगा में बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत वेदों का ज्ञान अर्जित करते हैं, बहुत मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं, वहां भी दिमाग बहुत खर्च करना पड़ता है। लेकिन ध्यान योगा में तो जो तप करते हैं वहां तो और भी पेनेंस होता है, बहुत तकलीफ दी जाती है, अपने शरीर को बहुत कष्ट दिया जाता है। लेकिन जो भक्ति योगा है उसमें कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि वो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि कृष्ण नहीं चाहते कि हम बहुत लेबर करें, हम बहुत मेहनत करें, बहुत कष्ट उठाएं, इसलिए भक्ति जो है आसानी से परफॉर्म हो जाती है। हमें कितना तकलीफ होगा, हमें बस बैठ के क्या करना है, हरि नाम करना है, माला जप करनी है। माला जप करने में हमें शरीर से कोई तकलीफ कष्ट नहीं होता। इवन हम कार ड्राइविंग करते हुए हरि नाम बोल सकते हैं, हम वॉकिंग करते हुए हरि नाम बोल सकते हैं, हम लेटे लेटे हरि नाम बोल सकते हैं, हम कुकिंग करते हुए हरि नाम बोल सकते हैं, इसमें कोई कष्ट नहीं है। सुसुखम सुसुखम यानी बहुत सुख से इसको साध्य है। जैसे कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इस श्लोक पर कमेंट्री करते हुए क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं कि जब हम अपने फैमिली को मेंटेन करते हैं, उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं, तब भी हम बहुत ट्रबल से जाते हैं, हमें बहुत तकलीफ और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हमें कृष्ण को, हरि को प्लीज करना है, उन्हें सुख देना है, तो हमें इतनी ट्रबल नहीं लेना पड़ता, हमें भगवान को खुश करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि एज अंतर्यामी, एज परमात्मा, वो सदा ही हमारे हृदय में वास करते हैं, इसलिए हमें उन्हें ढूंढने भी नहीं जाना पड़ता, वो हमारे अंदर ही है, इसलिए हम उन्हें हर समय उन्हें प्लीज कर सकते हैं, उन्हें सेटिस्फाई कर सकते हैं। इन ऑल सर्कमस्टेंसेस यानी किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी तरह से, बिकॉज कृष्णा इज विद इन आवर हार्ट, वो हमारे हाथ में है, तो हमें किसी भी परिस्थिति में हो, हम उन्हें हमें कहीं बाहर उन्हें ढूंढने नहीं जाना है, हम उन्हें अपने हृदय में ही संतुष्ट कर सकते हैं, उन्हें प्लीज कर सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास कुछ है नहीं परफॉर्म करने के लिए, अगर हम पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, तब भी हम भक्ति आसानी से कर सकते हैं। कैसे? मानस पूजा से, यानी मानस सेवा कर सकते हैं, मन से सेवा कर सकते हैं, मन में ऐसे सोच सकते हैं कि हम भगवान के अर्च विग्रह को, उनको स्नान करा रहे हैं या उनको वस्त्र पहना रहे हैं, हम उनका श्रृंगार कर रहे हैं, ये सब कुछ मन से सोचा जा सकता है। कभी कभी कुछ लोगों के मन में इच्छा होती है कि वो भगवान के लिए एक अच्छा बड़ा मंदिर बना दे, तो मन में हम ये सोच सकते हैं कि हाँ हम भगवान के लिए एक बड़ा मंदिर बना रहे हैं, तो मन से जब हम उनकी ये सेवा करते हैं तो वो भी भगवान उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे हम एक्चुअली में करने पर उसे एक्सेप्ट करते हैं। एंड इसका बहुत महत्व है, इस कलयुग में मानस सेवा का बहुत महत्व दिया गया है, बिकॉज कलयुग में बहुत सारी चीजें इम्पॉसिबल होंगी, बहुत ज्यादा क्लेश होगा, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होगा, बिना बात के ही लड़ाई शुरू हो जाती है कलयुग में, तो ऐसे समय में मानस पूजा का बहुत महत्व है कि हम मन से भी भगवान की सेवा कर सकते हैं और भगवान उसको एक्चुअल में स्वीकार करते हैं। भगवान ये नहीं सोचते कि इसने मन से किया है या मतलब मुझे कुछ ऑफर नहीं किया। इवन इफ वी डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर हिम, हमने मन से अगर उनको ये आंख बंद करके हमने ऐसे भगवान को फूल ऑफर कर रहे हैं, हमने ये सोचा मात्र, उससे भी कृष्ण खुश हो जाते हैं। तो भक्ति इतनी आसान है, कृष्ण चाहते ही नहीं कि हम बहुत ज्यादा कष्ट उठाएं, बहुत ज्यादा मेहनत करें, या कहीं जाके हमें एक चढ़ के पेड़ पे फूल तोड़ना है या कुछ करना है, अगर हमारे शरीर में उतनी शक्ति नहीं है या फिर हमारे पास धन नहीं है, तब भी हम मन से उन्हें पुष्प ऑफर कर सकते हैं। तम सुखाराध्यम ऋजु भेद अनन्य शरणय नर भी याता है श्रीमद भागवत में, श्री कृष्ण जो है वो बहुत इजीली, बहुत आसानी से प्लीज हो जाते हैं, जो बस उन्हें क्या चाहिए, उन्हें बस सच्चा हृदय चाहिए, यानी कोई उन्हें कंप्लीटली सरेंडर कर दे तो वो समझ सकते हैं कि इसने मुझे अपने आप को ही मुझे दे दिया है, तो भगवान
ऐसे सिंपल हार्टेड लोगों से बहुत आसानी से फ्रीज हो जाते हैं। वो कुछ भी नहीं मांगते हैं, वो कुछ चाहते ही नहीं है। हमारे पास उनको देने के लिए है क्या? कुछ भी नहीं है, सब कुछ उनका है। तब भी वो हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन करते ही नहीं है। कृष्णा जस्ट वॉन्ट अस टू गेट कम्प्लीटली सरेंडर टू हिम। और हमारा हृदय जितना प्रेम में ही होगा, जितना सिंपल होगा, जिसमें किसी के लिए कोई द्वेष भावना नहीं है, किसी के लिए कोई द्वेष नहीं है, किसी के लिए ईर्ष्या नहीं है, किसी के लिए जलन नहीं है, ये चीज जब हमारे हृदय में नहीं होती है, तब कृष्ण उस सीधे साधे सिंपल हार्टेड लोगों को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते। गौतम तंत्र में क्या आता है कि तुलसी दल मात लेना जलस्य चुलु के नावा विखरे ने स्वाम आत्मना भक्ते भयो भक्त वत्सला। यानी भगवान जो भक्त वत्सल है वो अपने आप को बेच देते हैं भक्तों के हाथों। कैसे? बस जब हम उनको प्रेम से भक्ति से एक तुलसी का पत्ता और थोड़ा सा चुलू के ना चुलू के ना चुलू यानी एक पाम एक मुट्ठी हाथ को जब हम ऐसे करते हैं छोटा, तो वो जो एक मुट्ठी जल होता है वो जल से और बस एक तुलसी के पत्ते से भगवान अपने आप को बेच देते हैं अपने भक्त को। जब हम प्योर लव से, तो कंडीशन इज वी हैव टू ऑफर इज दिस लव एंड डिवोशन। हमारे अंदर भगवान के लिए ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर भगवान के साथ व्यापार करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि जब कोई देवी देवताओं की शरण लेता है तो वो क्या कर रहा होता है? वो एक्चुअली में व्यापार कर रहा है। उसे उनसे कुछ चाहिए बदले में, इसलिए वो उनके लिए उनकी शरण लेता है। बट भगवान कृष्ण जो है उन्हें कुछ नहीं चाहिए हमसे, ही वॉन्ट्स नथिंग। लेकिन जब हम उन्हें प्रेम से सिर्फ तुलसी का पत्ता और थोड़ा जल दे देते हैं तो उससे भी वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, इतने ज्यादा कि वो अपने आप को ही सेल कर देते हैं अपने भक्त को। अक्षय फला प्रदा यानी वो भक्ति जो है वो हमें अक्षय फल प्रदान करती है। कैसे? अक्षय मने अव्यय, जो कभी खत्म नहीं होता, जिसका कभी क्षय नहीं होता। जो कर्म ज्ञान और योगा का जो प्रोसेस है वो इम्परमानेंट, जब तक कि ये भक्ति के शुद्ध लेवल पे नहीं आ जाता। कर्म का फल क्या होता है? कर्म योगा करने से क्या होता है कि व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों के कारण स्वर्ग लोक भोगता है और स्वर्ग भोगने के बाद फिर धरती पे आ जाता है, यानी वो भी परमानेंट फल है। हाँ, भक्ति उसने की है तो भक्ति खत्म नहीं होती, भक्ति वहाँ के उस लेवल से वो स्टार्ट करता है। लेकिन जब तक वो कर्म मिश्रित भक्ति से प्योर भक्ति के लेवल तक नहीं आता है, तब तक हमें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं मिलती। सेम थिंग इस विद ज्ञान, ज्ञान योगी को जब तक किसी भक्त की कृपा नहीं प्राप्त होती वो भक्ति में नहीं आ पाता। जब तक उसकी भक्ति ज्ञान मिश्रित रहती है तब तक उसे भी बार बार जन्म मृत्यु लेना पड़ेगा, जब तक कि वो आगे आगे बढ़ के बहुत जन्म बहु नाम जन्म जन्म के बहुत जन्मों के अंत में तब जाके उसे भक्ति प्राप्त होती है। फिर चाहे वो योगा करे मेडिटेशन करे, तो इसका फल जो है वो इम्परमानेंट होता है। लेकिन जब कोई भक्ति करता है तो वो साधना के स्टेज में भी चाहे वो साधना के स्टेज में, यानी भक्ति अभी शुरू हुई है, हमारी भक्ति जब शुरू होती है, जब हम कुछ सीख रहे हैं, तब तक हम क्या है, हम साधक है और हम क्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तो और फिर जब वो सिद्ध हो जाता है, यानी जब वो हम अपने अच्छे एक गोल को अचीव कर लेते हैं, यानी कृष्ण प्रेम के गोल को अचीव कर लेते हैं, तब भी हम भक्ति के शुरुआत से लेके साधना से लेके सिद्ध होने तक हम उस गोल को अचीव नहीं कर लेते, तब तक कि वो एकदम हमें सुख देने वाली है। हमारे लिए वो भक्ति कभी खत्म नहीं होती। भक्ति थोड़ा सा भी की जाए तो वो क्षय नहीं होता। इसी तरह भक्ति चाहे साधना के लेवल स्टेज में हो या सिद्ध स्टेज में हो, वो कभी भी खत्म नहीं होती, उसका कभी क्षय नहीं होता। भक्ति स्वयं साधना भी है, भक्ति स्वयं साध्य भी है, यानी भक्ति साधना भी है। साधना करते हुए भी हम भक्ति कर रहे हैं और हमारा गोल क्या है वो भी भक्ति है, यानी साध्य भी भक्ति है, साधना भी भक्ति है, और इसे करते हुए बहुत इट इज परफॉर्म प्योरली
एज परफेक्टली। भक्ति में कोई कॉन्टेमिनेशन नहीं आता है और वो हमेशा परमानेंट है और अनचेंजिंग है। बिकॉज भक्ति चाहे इस जन्म में थोड़ा सा किया हो तो अगले जन्म में फिर वहीं से शुरू हो जाएगी जहाँ पे हमने स्टॉप किया। तो इट इज नेवर, उसका कभी भी खत्म नहीं होगा एंड कभी चेंज नहीं होगा। अश्रद्धा नाम पुरुषा धर्म सास्य परंतपा आप्राप्य माम निवतन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। यानी कि हे परमतप, जो जिन्हें इस धर्म में जो भक्ति से भक्ति का जो धर्म है उसमें कोई फेक नहीं है, वो कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। वो इस मटेरियल एक्सिस्टेंस में बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। यानी ये मटेरियल एक्सिस्टेंस क्या है, इट इज फुल ऑफ डेथ। यानी यहाँ पे मृत्यु निश्चित है। यानी यहाँ जब मृत्यु निश्चित है इसका मतलब है सब कुछ ही टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। भले ही ये मटेरियल वर्ल्ड भी रियल है, जो मटेरियल वर्ल्ड है वो रियल है, वो कोई इल्यूजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ टेम्पररी है। जो बिकॉज सब कुछ मटेरियल नेचर से बना है तो जो चीज मटेरियल नेचर से बना है वो टेम्पररी है। जैसे कि हमारा शरीर भी पंचभूत से बना है, पंचभूत यानी वो धरती पर वो इसी मटेरियल नेचर का हिस्सा है। तो जो चीज इस पंचभूत से बना है, जो इस चीज इस मटेरियल वर्ल्ड से बनी है वो हमेशा खत्म होगी। तो जो ये फेट है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है भक्ति में। जब हम शुरू में आते हैं तो हमारा फेथ जो होता है वो कोमल श्रद्धा होती है, श्रद्धा के बल पर ही हम भक्ति में आना शुरू करते हैं। लेकिन अगर हम भक्तों का एसोसिएशन नहीं करेंगे, तो जैसे कभी कभी कोई एक बार किसी के साथ या अपने फ्रेंड के साथ आ गया, उसने किसी कोई लेक्चर सुन लिया, लेकिन अगर वो उसको कंटिन्यू नहीं करेगा उस वक्त उसके मन में थोड़ा सा फेथ जाग जाता है। लेकिन अगर वो उसको कंटिन्यू ना करे, वो वैष्णव का एसोसिएशन ना करे, उसको बार बार उन वैष्णव का संग ना करे, तो वो जो श्रद्धा है कोमल श्रद्धा वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। जो लोग भौतिक चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं उनके अंदर कोई श्रद्धा नहीं होती, उनके अंदर कोई फेथ ही नहीं होता। वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए देवी देवताओं की शरण लेते हैं। तो ऐसे फेथलेस पीपल जो भगवत भक्ति को एडॉप्ट नहीं करते, जो उसको स्वीकार नहीं करते, उनके साथ क्या होता है, वो बार बार जन्म लेते हैं इस संसार में और बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यानी उनका ये चक्र, जन्म और मृत्यु का ये चक्र खत्म नहीं होता। श्रद्धा जो है वो भक्ति का रूट कॉज है। भक्ति की शुरुआत ही श्रद्धा से होती है, चाहे वो स्टार्टिंग के स्टेज में कोमल श्रद्धा क्यों ना हो। वो श्रद्धा को हम बाद में साधु संघ के एसोसिएशन से, भजन से, भजन क्रिया से, और फिर जब हमारा अनर्थ खत्म होने लगता है भजन क्रिया से, तब जाके हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग फेथ डेवलप होता है। तो श्रद्धा ही मूल तत्व है भक्ति का। भगवान जो भक्त वत्सल है उसे हम भक्ति के अलावा और किसी भी प्रोसेस से अटेंड नहीं कर सकते। चैतन्य चरितम इसके मध्य लीला में आता है कि श्रद्धावान जन है या भक्ति अधिकारी। जिसके अंदर श्रद्धा होगी वही भक्ति का अधिकारी है। एंड ब्रह्मान भ्रमिते को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। यानी इस पूरे ब्रह्मांड में भी 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है और फिर जब उससे कहीं किसी गुरु की, किसी शुद्ध वैष्णव साधु की कृपा होती है तो उसके कारण उस पे कृष्ण की कृपा होती है। कृष्ण के कारण फिर उससे गुरु की कृपा प्राप्त होती है और उससे गुरु कृष्ण प्रसादे उसको एक गुरु हमें भक्ति का एक बीज देते हैं, भक्ति लता का बीज देते हैं, जिसे हम श्रवण और कीर्तन से सींचते हैं और तब हम भगवान के धाम जाने के लायक होते हैं। तो इस तरह गुरुदेव जो है वो हमें कृष्ण हमारे हृदय में वो उस बीज को डाल देते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, कृष्ण सेवा वासना, ये जो बीज है वो क्या है, कृष्ण सेवा की वासना। अभी हमारे अंदर किस चीज की वासना है, इस संसार को भोगने की वासना। तो हमें गुरु क्या करते हैं, इस संसार की वासना को हटाकर हमारे हृदय में
सेवा की वासना का बीज डालते हैं। और इसे हम कैसे अटेंड कर सकते हैं? परमार्थिका श्रद्धा यानी ट्रांसेंडेंटल फेथ से, विच इज द रूट कॉज ऑफ भक्ति। यानी फेथ का क्या इंपॉर्टेंस है? अगर हमारे अंदर हम फेथलेस हैं, हमारे अंदर फेथ ही नहीं है कृष्णा के लिए, तो हम मैकेनिकली हम अगर भक्ति परफॉर्म कर रहे हैं तब भी हमें भक्ति प्राप्त नहीं होगी। जैसे कि कुछ लोग हैं, उन्हें बिकॉज उनके अंदर मटेरियल डिजायर है तो वो क्या करते हैं, वो पुण्य कर्म करते हैं, ज्ञान योगा कर ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते हैं, योगा करते हैं, तपस्या करते हैं, और इस तरह वो भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। बट दे डोंट ट्रस्ट कृष्णा, वो कृष्ण की शरण नहीं लेना चाहते। बाकी सब कुछ करने को तैयार है, ज्ञान ज्ञान जो वेदों में है वो उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ध्यान करने की कोशिश करते हैं, तपस्या करने की कोशिश करते हैं, पर श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग कितना भी ये सब कुछ परफॉर्म कर ले, वो सब कुछ बेकार हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। यम न योगिन सांख्ये न दान व्रता तपो धरे व्याख्या स्वाध्याय संन्यास से प्राप्नु याद यतनान ये यत्नावान अपि। कि एक व्यक्ति अगर मिस्टिक योगा में इन्वॉल्व हो, मिस्टिक तरह तरह के तप करता है, या फिलोसफिकल स्पेकुलेशन यानी ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है, चैरिटी करता है, दान करता है, पेनेंस यानी अपने शरीर से को तक व्रत तप अलग अलग तरह के करता है, रिचुअल सेक्रीफाइसेस यानी यज्ञ वगैरह करवा करता है कृष्ण के लिए, नहीं दूसरे इच्छा को पूरे दूसरे इस तरह से, और दूसरों को वैदिक मंत्र भी सिखाता है, और खुद वेदों का पाठ भी करता है, या फिर कोई रिनाउंस ऑर्डर में है या संन्यास स्टेज में है, स्टिल वो क्या है, वो कृष्ण को अचीव नहीं कर सकता। ये सारे रास्तों से हम कृष्ण को अचीव नहीं कर सकते, कृष्ण केवल हमारी भक्ति से ही अचीव हो सकते हैं। यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की कमेंट्री आती है श्रीमद भागवतम की, उसमें क्या बोलते हैं कि जो लोग श्री गुरुदेव के चरणों का सेवा छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारी भक्ति का सबसे पहला सपोर्ट सिस्टम क्या है, जब हम किसी हम गुरुदेव की शरण लेते हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि हमें अपने गुरुदेव की सेवा करनी है। अगर हम गुरुदेव की सेवा करेंगे तभी हमें भक्ति प्राप्त होगी। तो ये जो है वो प्राइमरी सपोर्ट सिस्टम है हमारी भक्ति का, गुरुदेव के चरणों की सेवा करना। लेकिन वो क्या करते हैं, वो इसको छोड़कर अलग रास्ता ढूंढते हैं, यानी वो अपने मन को कंट्रोल कर योगा के द्वारा अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो कि फेल हो जाता है, और फिर वो दोबारा मटेरियल एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं, जो कि पूरी तरह क्लेशों से भरा हुआ है, ऑब्स्टेकल्स से भरा है, कैलामिटीज से भरा है, यानी बहुत दुखदायी है, बहुत तकलीफ से भरा हुआ है मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो जो लोग गुरु की शरण नहीं लेते, गुरु या वैष्णव जो शुद्ध साधु वैष्णव, उनकी शरण ना लेकर उनकी सेवा छोड़ के वो अपने आप ही अकेले ही भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, योगा के द्वारा अपने मन को वश में करने की कोशिश करते हैं, वो इस एंडियोर में फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कृष्ण पर श्रद्धा नहीं है। मया तदम इदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानी ना चाहम तेष्व अवस्थिता। इन्हें भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये जो पूरा संसार है, ये जो पूरा यूनिवर्स है, कॉस्मोस है, ये मुझसे ही मैनिफेस्ट होता है और मेरे स्वरूप में ही परवेद करता है, और मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो रियल सेल्फ सेल्फ है वो अनमैनिफेस्ट है। हमारे जो मटेरियल सेंसेस है इसके कारण हम भगवान को देख नहीं पाते। सब कुछ किसमें
पवित्रतर भगवान में, यानी ये पूरा जो कॉस्मोस है, ये यूनिवर्स है, ये सब कुछ कहाँ है, भगवान में ही है। लेकिन बिकॉज हमारी मटेरियल सेंसेस है जिसके कारण हम भगवान को देख नहीं पा रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है। जैसे कि मायावादी फिलोसोफर स्वीकार करते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, बट एक्चुअली में बिकॉज हमारे मटेरियल सेंसेस उनको परसीव नहीं कर सकते, उनका स्वरूप नहीं देख सकते। भगवान क्या बोल रहे हैं कि जितने भी जीव आत्मा है वो सब मुझ में ही स्थित है, मुझ में ही सिचुएटेड है, लेकिन मैं उनमें नहीं। जैसे कि श्रील गुरुदेव का एग्जाम्पल है, वो क्या बोलते हैं कि जैसे रोटी बनती है, तो रोटी किससे बन रही है, गेहूं, गेहूं होता है, गेहूं का आटा बनता है, आटा को गूंदते हैं फिर हम रोटी बनाते हैं। तो उसी तरह रोटी जो है उसमें गेहूं है, लेकिन हमें दिखाई देता है, हमें नहीं दिखाई देता। तो उसी तरह इस संसार, ये जो संसार है, ये जो पूरा कॉस्मस है, ये सारे जीव आत्मा है, इस सब कुछ कहाँ सिचुएटेड है, श्री कृष्ण में ही सिचुएटेड है, भगवान में ही सिचुएटेड है। लेकिन बिकॉज हमारे मटेरियल सेंसेस है, हमको देख नहीं पाते, हम कृष्ण के स्वरूप को देख नहीं पाते। एंड बहुत समय, बहुत बार ऐसे बोल देते हैं लोग कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान सर्वव्याप्त है, यानी उनका कोई रूप ही नहीं है। जस्ट बिकॉज हम नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि भगवान का कोई रूप नहीं है। तो इस तरह इस श्लोक में हम देखते हैं कि भगवान कैसे बता रहे हैं कि सब कुछ उनमें ही स्थित है, लेकिन उनके स्वरूप को, स्वरूप जो है वो अनमैनिफेस्ट है हमारे मटेरियल सेंसेस को। हमारा जो बहुत ही इंद्रिया है उन्हें, उनको कृष्ण नहीं दिखाई देते। जैसे कि परिणाम, परिणाम और विवर्तन। परिणाम क्या होता है, जैसे कि दूध है, दूध जो है वो प्योर सब्सटेंस है, लेकिन अगर उसमें हम एसिड डाल दें, कुछ खट्टा डाल दें दूध में, तो क्या होगा, वो दही बन जाएगा। इसी तरह इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी दूध जो है वो ट्रांसफॉर्म होके कर्ड बन गया, यानी दही बन गया। तो जो ये दही है वो क्या है, वो परिणाम है मिल्क का, यानी दूध का परिणाम है दही, इफेक्ट है वो। लीवर का क्या होता है, विवर्त होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट का समझ लेते हैं, उसको बोलते हैं विवर्तन। जैसे कि अगर कोई अंधेरा हो, अंधेरे में कोई रस्सी लटक रही हो, तो हम क्या सोच लेते हैं कि रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट के बदले हम उसको दूसरा समझ लिए, एक इल्यूजन क्रिएट हो गया। जैसे कि ऑयस्टर है, ऑयस्टर के अंदर जो शेल होता है उसमें सिल्वर कलर होता है, तो हम उसको चांदी समझ लेते हैं। सीप होती है ना, मोती का सीप होता है, सीप के अंदर चमक होता है सिल्वर जैसा, तो हम उसको क्या समझ लेते हैं कि वो चांदी है। तो है कुछ और, लेकिन हम समझ कुछ और लेते हैं। जैसे रस्सी है, लेकिन रस्सी को हमने साफ समझ लिया, तो इसको बोलते हैं विवर्ता। तो ये कैसे है कि जो ये संसार है, जो ये यूनिवर्स है, वो परिणाम है, यानी जो ये संसार है वो किससे बना है, भगवान की मटेरियल एनर्जी से। इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण का ही ट्रांसफॉर्मेशन है ये संसार, ये मटेरियल जो यूनिवर्स है वो मटेरियल है, और कृष्ण मटेरियल चीजों के साथ कनेक्ट नहीं होते। कृष्ण माया के जो महामाया है, जो दुर्गा देवी है, उसके साथ कृष्ण कनेक्ट नहीं होते। ये कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है, और शक्ति कहाँ से आ रही है, कृष्ण से ही आ रही है। तो है तो सब कुछ मेंटेन कैसे हो रहा है, कृष्ण से ही हो रहा है, बिकॉज जो ओरिजिनल कॉज है वो क्या है, वो कृष्ण है, कृष्ण से ही सब कुछ आ रहा है। तो ऑब्वियसली जो सब कुछ, इवन हम सब भी कृष्ण से ही आते हैं, तो ओरिजिनल कॉज जो है वो कृष्ण है। कृष्णा अपनी शक्तियों के द्वारा सब कुछ मेंटेन करता है, तो वो शक्ति किसकी है, कृष्ण की है। तो इसी तरह सब कुछ, जो होल यूनिवर्स है, वो सब कुछ कृष्ण में ही सिचुएटेड है, लेकिन कृष्ण उनसे अलग है। कृष्ण में सब कुछ है, लेकिन कृष्ण मटेरियल चीजों से, मटेरियल वर्ल्ड से अलग है। इसी बात को वो समझा रहे हैं, ये सब कुछ बहिरंगा शक्ति है कृष्ण की, और जो जीव आत्मा है वो क्या है, तटस्थ शक्ति है। तटस्थ यानी तट है,
जैसे कि एक इनविजिबल लाइन होता है बीच पे, तो जिसको हम तट बोलते हैं। तो इसी तरह जीवात्मा जो हमारी आत्मा है वो स्पिरिचुअल है, कृष्ण का अंश है, तो वो सुपीरियर नेचर की है। जो हमारा ये शरीर है, भौतिक शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये सब किससे बना है? मटेरियल चीजों से बना है। माया देवी ने इस मटेरियल वर्ल्ड की रचना की है, उससे हमारा ये शरीर बना है जो कि मटेरियल है। तो हम मटेरियल भी है, ड्यू टू दिस बॉडी हमारा शरीर मटेरियल है, एंड हमारी आत्मा स्पिरिचुअल है। तो हम एक्चुअली में स्पिरिचुअल नेचर के हैं, लेकिन बिकॉज हमने इस शरीर को धारण कर लिया तो हमने इस शरीर को ही मैं मान लिया। तो इस तरह हम जीव आत्मा जो है वो तथा शक्ति है भगवान की। नाचा मत्स्थानी भूतानी पश्यमे योगमेश्वरम भूत ब्रह्मा चा भूतस्तो मम आत्मा भूत भावना। तो भगवान यह बोल रहे हैं कि जो कुछ भी क्रिएटेड है वो एक्चुअली में मेरे स्वरूप में एग्जिस्ट नहीं करता। यानी भगवान का जो रियल स्वरूप है वो क्या है? श्री कृष्ण केशवा श्याम सुंदर जो रूप है वो उनका एक्चुअली में रियल स्वरूप है। एंड एस परमात्मा भगवान का एक प्लेनरी एक्सपेंशन है, भगवान का एक एक्सपेंशन है, उनका परमात्मा के रूप में वो सब कुछ मेंटेन करते हैं। अगर वो परमात्मा के रूप में जब धरती क्रिएट होती है और उसमें जब क्रिएशन शुरू होता है, अगर भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु अगर उसमें ना जाए, विष्णु के स्वरूप में परमात्मा अगर उसमें ना जाए तो उसका कोई मतलब नहीं था। इस तरह भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा अपने परमात्मा स्वरूप में वो सब लिविंग बीइंग्स को, सारे जीवात्मा को, सारे एलिमेंट्स को, सृष्टि के पूरे क्रिएशन को मेंटेन करते हैं। सब जगह वो सिचुएटेड, एक भी ऐसा एटम नहीं है जहाँ पे कृष्ण नहीं है, एक भी ऐसा कण नहीं है जिसमें कृष्ण नहीं है। कृष्ण है इसलिए उसका महत्व है, पर कृष्ण किस रूप में है? परमात्मा के रूप में है, चतुर्भुज विष्णु के रूप में है, जो एस परमात्मा सब जगह एग्जिस्ट है। लेकिन हम सब कुछ में कृष्ण होने के बावजूद कृष्ण हम सब में नहीं है। यानी ऐसा जो उनका रियल स्वरूप है, उनका जो एक्चुअल स्वरूप है एस कृष्णा एस भगवान, उसमें वो मटेरियल चीजों के साथ इन्वॉल्व नहीं होते, उसमें वो मिक्स नहीं होते हैं। इस तरह सिर्फ अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। एंड दिस मटेरियल वर्ल्ड ये किससे मेंटेन होता है? माया देवी इसको थ्री मोड से मेंटेन करती है, यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा हमें कंट्रोल किया जाता है। बट कृष्ण बोलते हैं कि मैं इस तीन गुणों के भी अधीन नहीं हूँ। ये तीन गुण, ये पूरा मटेरियल नेचर मुझ में एग्जिस्ट करता है, बट मैं इस तीन गुणों से अछूता हूँ। बिकॉज कृष्ण जो है वो माया के कंट्रोलर है, यानी माया शक्ति के कंट्रोलर। माया देवी को भी, माया देवी की जो भी शक्तियां हैं वो कहाँ से आ रही है? श्री कृष्ण से आ रही है। कृष्ण बता रहे हैं कि मुझ पर माया का कोई असर नहीं होता। इनफैक्ट कृष्ण जो है वो दुर्गा देवी जो महामाया है, जो बहिरंगा शक्ति है, उसके कांटेक्ट में भी नहीं आते हैं, एकदम उससे अछूता है, उससे दूर है। कृष्ण डायरेक्टली माया शक्ति के कांटेक्ट में भी नहीं आते, वो उससे एकदम अलग है, अलुफ है। लेकिन ये सब कुछ बिकॉज वो शक्ति भी उनकी उनके ही कारण है, तो वो सब कुछ उसमें मेंटेन भी होता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पे बोलते हैं कि कृष्ण ये बोल रहे हैं कि सारे लिविंग बींग, जीवात्मा और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब कुछ उनमें ही एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका जो शुद्ध स्वरूप है, जो एस श्याम सुंदर कृष्ण है, वो इसमें उनके पास उनकी इतनी शक्तियां हैं, उनके उनकी बहिरंगी शक्तियां और उनकी अंतरंग शक्ति, वो सारा ही कार्य करते। उनकी जो अंतरंग शक्ति है वो कौन है? राधा रानी। और जो बहिरंग शक्ति है वो दुर्गा देवी है। तो जो उनकी योग माया है, राधा रानी है, वो उनके लिए स्पिरिचुअल उनको सुख देने के लिए सारे अरेंजमेंट करती है। और जो उनकी बहिरंगा शक्ति है
जो दुर्गा शक्ति है वो भी उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस संसार में जो जीवात्मा भटक गए हैं उनको इस तरह रखती है जिससे कि वो भी कृष्ण के पास लौट पाए। माया देवी जो है वो हमें पूरी तरह 100% सुखी नहीं होने देती इस संसार में, ताकि हम बिकॉज हमने कृष्ण को भुला दिया है तो वो हर कोशिश करती है जिससे कि हम कृष्ण को दोबारा याद करें। लेकिन हम इस संसार में आने के बाद इस संसार की चीजों से इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं, इतना आसक्त हो जाते हैं, वो आसक्ति जो हमें कृष्ण में होनी चाहिए थे वो हमें इस संसार में हो जाती है, जिसके कारण माया शक्ति हम बाद में उनके ही शरण लेते हैं, उनसे ही चीजों को मांगते हैं। जैसे नवरात्रि का व्रत रखते हैं, कोई कृष्ण की जन्माष्टमी को व्रत रखे ना रखे लेकिन नवरात्रि के 9 दिन भी व्रत रखते हैं, चाहे कितना भी कष्ट हो 9 दिन लगातार व्रत करते हैं। किस लिए? ताकि उनके मटेरियल डिजायर पूरी हो। तो माया देवी क्या करती है ऐसे लोगों के साथ, उनकी इच्छाओं को पूरा करती है। बट एक्चुअली में हमने जाना था कि जो भी देवी और देवता है वो बिना कृष्ण के सैंक्शन किए हुए हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। सो वी एक्चुअली नो द ट्रूथ कि सब कुछ कृष्ण कर रहे होते हैं, बट माया देवी हमें सब कुछ दे, हमें लगता है कि सब कुछ माया देवी हमें दे रही है, हमारे हमारे सारे डिजायर पूरे हो रहे हैं। बट तुरंत माया कुछ अच्छा होता है उसके तुरंत हमें हमारे साथ कुछ बुरा भी होने लगता है। तो माया देवी का जो डंडा है वो हमें हम पे पड़ना शुरू हो जाता है। वो तब तक पड़ता रहता है जब तक हम कृष्ण की तरफ नहीं मुड़ जाते, एंड जब हम कृष्ण की तरफ मुड़ते हैं तब योग माया हमें अपनी शरण में ले लेती है, यानी राधा रानी हम पर कृपा करती है। यथा काष्ठितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणी भूतानि मत्स्थानि नित्युपा उपाधाराय। यानी भगवान हमें एक्सप्लेन करने की समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि जो वायु है जो विंड होता है वो बहुत पावरफुल होता है, हवा जो पवन होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत पावरफुली मूव होता है आकाश में स्काई में, लेकिन स्काई जो है वो विंड के साथ इन्वॉल्व नहीं होती, वो उससे सेपरेट रहती। चाहे पवन पूरे स्पेस में कहीं भी घूमे लेकिन स्पेस जो है वो पवन वो कहाँ है, पवन कहाँ है, स्पेस में ही। हाँ, जो वायु है वो स्पेस में ही मूव ऑन हो रही है, तो वायु जो है वो स्पेस में है लेकिन स्पेस जो है वो वायु के साथ मिक्सअप नहीं होता है। तो इस तरह कृष्ण हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ उनमें है लेकिन वो उसमें नहीं इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह कृष्ण कितने अहर श्लोक में वो अपने ऐश्वर्य को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप को अपने तत्व को समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह भगवान बोलते हैं कि मेरे योगम ऐश्वर्य पश्य मे योगम ऐश्वर्य, जो मेरा योग ऐश्वर्य है वो उसे देखिए। वन कैन रियलाइज भागवत तत्व, अगर ये भगवान का तत्व है इसको